देखिए एक चीज़ बोलते हैं, हम महिला है लेकिन हम फिर भी बोलते हैं आजकल की महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से पुरुषों को बचने की ज़रूरत है। और महिलाओं को गंदा करने में लोगों का बहुत हाथ है। अच्छा। हाँ, इन लोगों का पता है एडवाइस क्या होता है? अरे छोड़ो ना यार, ये पति नहीं मान रहा है तो दूसरा पटाओ ना यार, जाओ। ये इन लोगों का लैंग्वेज है। उसकी बेटी ने मुझे क्या बोला है पता है? क्या? छोड़िए अपना इज्जत हम क्यों ले, इसकी बेटी इतना अपशब्द बोली है, इतना अपशब्द। क्या बोले छोड़िए, कि सेक्स वर्कर है, कर दे केस, समझ में आ जाएगा, बुझा जाएगा। अच्छा। एकदम किसी के बाप से नहीं। क्या बोले? उसके भी बाप से नहीं, उसके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उससे भी नहीं, उसका बॉयफ्रेंड से भी नहीं, जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना बिल्डर। हाँ। उससे भी नहीं। पता है बहिष्कार हम किस चीज़ का? हम उस औरत का बहिष्कार नहीं करते हैं। रोना आता है कभी कभी, दिल से बात करते हैं ना, हम उस औरत का बहिष्कार नहीं करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं उसके गलत कृत्य का। आप बताइए, कल उसकी महिला, उसके मंच की कुछ महिलाएं, रंगदार महिलाएं हमको कॉल करके गाली गलौज की, उसकी बेटी हमको सेक्स वर्कर बोली। सोशल मीडिया पे भोजपुरी में आप लोग लगातार देखते होंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाह काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। 9 तारीख को ये भी खबर निकल के आ रही थी कि दोनों की सुलह हो जाएगी, एक साथ ये दोनों रहेंगे। बीच में वीना मानवी जो है वो पवन सिंह से मिलने गई, जैसे वो मिल के आई उनके ऊपर भी नेगेटिव खबरें निकल के आने लगी कि वो पवन सिंह से फंडिंग लेके आई है। बाकी आज हम लोग से साथ बात करने के लिए लोग स्टूडेंट रूपम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ अपनी नज़र से ये देखती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी और आपसे अनुरोध करूँगी नाम मत लीजिए। निगेटिव पर्सन का नाम लेके पता है हम लोग और उसको TRP देते हैं। अच्छा, निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव, उसको TRP तो मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? वो बोलते हैं कि हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लेके हम उससे ज्यादा कुछ नहीं लेते। रजिस्ट्रेशन फीस लेना अलाउड है NGO को? हमको ही बताइए, है अलाउड? ये हमको नहीं पता तो, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम महिलाओं के लिए वो आवाज उठाती हैं। आवाज क्या उठाई है, आवाज हमको बताइए। वही तलवार लेके, झंडा उठा के, पूरा सज धज के, और जो बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, वैसे सिर्फ TRP के लिए आवाज उठाती है, मीडिया बाजी करने के लिए आवाज उठाती है, गलत कृत्य का आवाज उठाती है। संवैधानिक पद तक का इसको सम्मान करना नहीं आता है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, उसका अपमान करती है। इसके ऑफिस में जो तिरंगा है उसका अपमान करती है। सारा का तथ्य है। और मैं तो इसलिए जानबूझ के बोलती हूँ कि मुझे नहीं बनाना आपको अपराधी। इसलिए आप पर लीगल एक्शन अभी नहीं ले रही हूँ। जिस दिन लूंगी उस दिन अपराधी नहीं महा अपराधी मैं आपका गिनती आएगा। टेंशन क्यों लेना है? आपको डर और नहीं लगता? एकदम नहीं, किसी के बाप से नहीं, सिर्फ कानून से। अच्छा। एकदम किसी के बाप से नहीं। क्या बोले? उसके भी बाप से नहीं, उसके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उससे भी नहीं, उसका बॉयफ्रेंड से भी नहीं, जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना बिल्डर, उससे भी नहीं। देख सकते हैं, मतलब ये तो आपके अंदर से, मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पे हुआ है मेरे भाई, कल लाइव आकर व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पे किया गया है इनडायरेक्टली। ठीक से चल नहीं फिर पाते, फिर भी युवा बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, लोगों की बात करते हैं। हाँ, कम से कम अपराधी तो नहीं ना बन रहे हैं। यहाँ तो सब नेता बनने के लिए लोग अपराधी बन जाता है। हम तो सही को इंसाफ दिलाने के लिए अगर नेता बन गए चलो ठीक है, लेकिन लोग हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको नेता नहीं बनना, हमको वकीले ठीक है। हम वकील बनकर ही अच्छे अच्छे नेताओं का वाट लगाना जानते हैं। हाँ, फिर भी एक अंदर होता होगा ना कि ऐसी महिला के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसको पूरा बिहार जानता है, जिसको क्या बिहार जानता है, उसको हम TRP दिए हैं, उसका विरोध करके, उसके बहिष्कार करके। बोलते हैं ना कि गलत चीज लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वही हुआ है इसके साथ। और हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, आज हर जगह छीछी लेदर हो रहा है ना। स्पर्श हॉस्पिटल में गई थी रुपया लेने, इसका टीम गया है, रंगदारी करता है इसका टीम। मेरे को गाली गलौज हुआ है भाई। हाँ, मेरे को गाली गलौज हुआ है, लेकिन इसकी इसकी इसके टीम की एक महिला है, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि इन लोगों का नाम अब मेरे जुबान पे एकदम शोभा नहीं देता है। उसकी बेटी ने मुझे क्या बोला है पता है? क्या? छोड़िए अपना इज्जत हम क्यों ले, इसकी बेटी इतना अपशब्द बोली है, इतना अपशब्द। क्या बोले? छोड़िए कि सेक्स वर्कर है, कर दे केस, समझ में आ जाएगा, बुझा जाएगा। जो हम नहीं तुमको ये नहीं कुछ सबक सिखा पाई, हम ही तुमको रेलेंगे। तो बउआ, कानून जब रेल देगा ना तो अच्छे अच्छे की वाट लग जाती है, तुमको जायदाद बेचना पड़ जाएगा। रूपम अगर एक केस कर दिया, अभी तक केस नहीं कर रही है, खाली बोल रही है। ये बोलती है हम 32 साल के एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर ये 32 साल की एक्सपीरियंस थी तो इससे गलती कैसे हो गई भाई, हमसे ऐसा? हाँ, बिना पक्ष जाने। और ये है कौन, है कौन, क्या अथॉरिटी है? वकील है, जज है? नहीं ना, ये लोग
गलत का साथ देती है और पुरुषों को लूटती है। हाँ, ये देखिए एक चीज बोलते हैं, हम महिला है लेकिन हम फिर भी बोलते हैं आजकल की महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से पुरुषों को बचने की जरूरत है। और महिलाओं को गंदा करने में लोगों का बहुत हाथ है। अच्छा। हाँ, इन लोगों का पता है एडवाइस क्या होता है? अरे छोड़ो ना यार, ये पति नहीं मान रहा है तो दूसरा पटाओ ना यार, जाओ। ये इन लोगों का लैंग्वेज है। आपके, आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी, आपकी वाइफ रहेगी, उसको अगर ऐसा एडवाइस मिलेगा मेरे भाई, कैसा लगेगा बताओ? एकदम सच बताना, टीआरपी अभी भूल जाओ, एक अवेयरनेस के लिए काम करो। अवेयरनेस करोगे ना, अवेयर करोगे ना लोगों को, तो अपने आप व्यू और टीआरपी भागेगा। एक चीज़ सोचो, क्या सही है? तुम्हारा घर ये बर्बाद कर रही है, आबाद नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन आते हैं ना, कमेंट, वही तो बोल रही हूँ, कमेंट आते हैं क्योंकि अब दर्शक ना जागरूक होने लगेगी। पता है बहिष्कार हम किस चीज़ का? हम उस औरत का बहिष्कार नहीं करते हैं। रोना आता है कभी कभी, दिल से बात करते हैं ना, हम उस औरत का बहिष्कार नहीं करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं उसके गलत कृत्य का। आप बताइए, कल उसकी महिला, उसके मंच की कुछ महिलाएं, रंगदार महिलाएं हमको कॉल करके गाली गलौज की, उसकी बेटी हमको सेक्स वर्कर बोली ऑन पब्लिक डोमेन, सारा स्क्रीनशॉट है मेरा, मेरे पास। फ्रॉड बाज देखिए, एडवोकेट है नहीं, डीयू से बोलती है, डीयू से एलएलबी किए हुए हैं। अच्छा। एकदम फ्रॉडबाजी की है ये लोग, सोचिए कितना बड़ा फ्रॉडबाजी। और उसका स्टेटमेंट अगर हम अभी उसको हम कर दे केस, बर्बाद हो जाएगी। ये लोग समझती ही नहीं है कि कानून क्या है, अनपढ़ महिलाएं हैं। अरे समझो, क्या दुश्मनी है तुम्हारा मेरे से? कुछ नहीं है, बस इसलिए कि तुम्हारे विरोध में हम बोल दिए। तुम जब माननीय मुख्यमंत्री के विरोध में गंदा गंदा बोलती हो, तब नीतीश कुमार तुमको क्या मान लिया? विरोधी मान लिया? नहीं ना। तुम प्रधानमंत्री के बारे में बोलती हो, क्या वो तुमको ये विरोधी मान लिया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? क्योंकि तुम एक बहुत गंदा बोलने जा रहे हैं। तुम ना उस नाली का वो कीड़ा हो जिसको, जिसमें लोग पैर डालने से मतलब दूर भागता है। सच बता रहे हैं, ये वो पॉटी है, पॉटी लोग पेट में रहता है, कर देता है, वहाँ से दूर भाग जाता है, छूता भी नहीं, ये वो पॉटी है। ये इनके अंदर की प्रतिक्रिया थी, इससे अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए इनकी बातों से। सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन एक चीज़ और सुनिए, जिस पवन सिंह की बात की जा रही है, जिस पवन सिंह के साथ फोटो वायरल हो रहा है, पवन सिंह का जो अस्तर था ना, वो यहाँ से यहाँ आ गया। सच में वो पावर स्टार था, है नहीं, अब नहीं है। मिलने के बाद इसका आधा बढ़ गया, उसका आधा घट गया भाई मेरे। सच बता रहे हैं, तुम्हारी लड़ाई थी, अक्षरा सिंह की लड़ाई थी, अलग मैटर था, लेकिन तुम दोनों का एक लेवल था भैया। अक्षरा सिंह का भी एक लेवल है, पवन सिंह का भी एक लेवल है, ज्योति सिंह का भी अपना एक लेवल है। उसका तो लेवल सीधा इससे जुड़ गया, उसका तो साफ लेवल है भाई, थोड़ी ना भोजपुरी में है। पवन सिंह की वाइफ है तो एक लेवल बन गया। यहाँ अक्षरा सिंह अपने एक एक्ट्रेस है, बिग बॉस में काम की, तो यहाँ काम की, वहाँ की, है कि नहीं?